वाह वाह वाह, स्टंट कर रहा है भाई। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज मैं जा रहा हूँ लोनावला ऑन माय KTM 125। सो बेसिकली आज मेरी पहली राइड है लोनावला के लिए, फर्स्ट राइड कर रहा हूँ KTM 125 पे मेरे। सो अभी मेरे को कामशेर के पास 40 किलोमीटर्स कवर कर लिए मैंने। सो जर्नी शुरू होती है मेरे घर से। चलो फिर चलते। सो इट्स 4:15 इन द मॉर्निंग एंड आई एम स्टार्टिंग माय राइड टू लोनावला। सो ट्रिप सेट कर लिया मैंने, यू कैन सी जीरो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज मेरे साथ राइड पे अमृत वहाँ पे चाय ले रहा है। सो अभी हम रुके कामशेर के पास, 40 किलोमीटर्स कवर कर लिए और हमें 25 किलोमीटर्स कवर करना है लोनावला पहुँचने के लिए। तो एक अच्छा ब्लॉगर वही होता है जो जहाँ पे भी जाते हैं अपने सब्सक्राइबर बना लेते हैं। तो न्यू सब्सक्राइबर, चाय पी के बढ़ते आगे। हमने चाय पी लिए और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 किलोमीटर्स और है कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलो बाय, थैंक यू। अभी हम पहुंचे सेकेंड टोल पे, सेकेंड टोल हम क्रॉस कर रहे हैं अभी और यहाँ से लोनावला अराउंड 5 किलोमीटर्स और है और 5 किलोमीटर्स कवर करना है हमें। A few moments later. So finally हम लोनावला पहुंच गए और लोनावला में हम रुके लाइन पॉइंट पे और यहाँ पे हमें आने लगे 2 घंटे। सो सुबह हमने स्टार्ट किया था 4:45 को मॉर्निंग में और हम यहाँ पे पहुँचे 7 बजे और हमने बीच में एक हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था। हमने कवर किया 75 किलोमीटर्स और जो लास्ट का पोर्शन था, जो घाट सेक्शन था, वो बहुत ही खतरनाक था और उसी वक्त मेरा जो GoPro है वो बंद गिर गया, पता नहीं कैसे। बट जब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे मैं फिर से शूट करके आपको दिखाऊंगा। ये जो रेलिंग आप देख रहे हो तो मैं उसके आगे आया हूँ नीचे यहाँ पे और यहाँ पे नज़ारे बहुत ही कमाल के देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने जैसा तो है नहीं। अगर आप लोनावला आ रहे तो एक बूची डैम है, बूची डैम पे आप जा सकते हो पर रेनी सीजन में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमने ये सब देख लिया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने जैसा तो है नहीं। यहाँ पे से आपको सीनरी दिखेगी, थोड़े पहाड़ दिखेंगे एंड ऑल। हे गाइस, सो वी आर मूविंग बैक नाउ और अभी जो घाट का सेक्शन है मैं अभी आपको बताऊँगा जो कि बहुत ही डेंजरस है। आते आते मेरा GoPro बंद हो गया था जिसके कारण मैं शूट नहीं कर पाया, बट जैसे अभी हम नीचे उतरेंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके सो आई एम ऑल सेट टू मूव। चल अमृत बैठ जा। दिस वन इज रियली डेंजरस। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है KTM को लेके मैं आया हूँ घाट सेक्शन में, सो थोड़ा डर लग रहा है बट इट्स ओके, मैं थोड़ा यूज्ड हो रहा हूँ और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल गया कि कैसे राइड करते हैं। अभी आप देख सकते हो एक और टर्न है, शार्प टर्न है ये वाला। रिमेंबर जब भी आप राइड करते हो घाट सेक्शन में तो आपको ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको आपके गियर ही शिफ्ट करने हैं कंट्रोल करने के लिए बाइक को। तो आते वक्त इसी टर्न पे मेरी बाइक बंद हो गई थी बट समहाउ हम ऊपर आ गए।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. और इसी तरह मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ स्लो एंड स्टडी. ज़्यादा हमें घाई नहीं करनी है यहाँ पे. ओके सो द घाट सेक्शन इज ओवर नाउ और अभी हमें प्लेन रास्ता है, प्लेन रास्ते पे जा रहे हैं हम. गाइस फाइनली हमने ट्रिप कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा बैठ जाता हूँ मैं. सो हमें लगे 1.5 hours लोनावला से पुणे आने के लिए और अभी मैंने पूरे कंप्लीट किए 156 kilometers. मैं आपको दिखा देता हूँ पहले. सो यू कैन सी हियर 156 kilometers कवर किए हैं मैंने. सो गाइस ये मैं पहला एक्सपीरियंस था KTM 125 का. फर्स्ट राइड था मेरा पुणे टू लोनावला और मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत एंजॉय किया और मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी. जो घाट सेक्शन था वो सच में खतरनाक था. इन द अपकमिंग वीडियोस आपको और बहुत सारी राइड देखने मिलेगी. तो जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे और हाँ लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह. सो इसी नोट पर वीडियो एंड करो. सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. और कैसा लग रहा है भाई देखो. Okay.